हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है जाति एवं लैंगिक विषमता। आज हम जाति एवं लैंगिक विषमता के विषय में चर्चा करेंगे। जाति का अर्थ, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल या भेद है। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द कास्टस के अत्यंत निकट है, जिसका अर्थ विशुद्ध है। कास्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1665 में ग्रेशिया डिओट ने प्रजातीय समूहों के विभेद के लिए किया था। जाति व्यवस्था का प्रभाव भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक समूहों जैसे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं सिखों की सामाजिक व्यवस्था पर भी दिखाई पड़ता है। भारत में अनुमानतः 3000 से अधिक जातियां और उनकी अनेकानेक उपजातियां भी पाई जाती हैं। शास्त्र वर्णित सैद्धांतिक आधार के अतिरिक्त जातियों की सामाजिक संरचना, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों, रीतियों तथा व्यवसायों पर आधारित है। फिर भी मुख्यतः जाति प्रथा जन्मगत भेद पर आधारित एक व्यवस्था है। जाति की परिभाषा, जाति का अर्थ के बाद हम जाति की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं जाति की परिभाषा क्या है। जे एच हट्टन के अनुसार, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध हैं, ऊंच नीच के आधार पर सांसारिक रूप से निर्धारित होते हैं। सर हर्बर्ट रिजले के अनुसार, जाति परिवारों या कई परिवारों के समूहों का संकलन है जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है, और जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। जाति का अर्थ परिभाषा समझने के बाद अब हम चर्चा करेंगे जाति प्रथा की प्रमुख विशेषताएं। आइए देखते हैं जाति प्रथा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एन के दत्ता ने जाति प्रथा की निम्नलिखित संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। एक जाति के सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। विभिन्न जातियों के बीच खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। अधिकतर जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है। जन्म ही मनुष्य की जाति को निर्धारित करता है। जाति के नियमों को तोड़ने पर ही जाति से बहिष्कृत किया जाता है, अन्यथा एक जाति से दूसरी जाति में संबंध आना जाना संभव नहीं है। संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित होता है। जाति का अर्थ परिभाषा एवं विशेषताएं जानने के बाद अब हम जानेंगे लैंगिक विषमता। हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं, और यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया है।
लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। लैंगिक विषमता की परिभाषा। लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्यों के संबंध हैं। जहाँ पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है, इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है। लिंग विषमता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है। भारत में लैंगिक विषमता के कारण और प्रकार। भारतीय समाज में लिंग विषमता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्वे के अनुसार पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था में अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों ना हो, से प्राप्त की है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में ही पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। मुस्लिमों में भी समान स्थिति है और वहाँ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरीके से भेदभाव हो रहा है। महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों में से अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वेश्यावृत्ति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है, क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता का घर छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों, कौशल मांग की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती हैं। वहीं प्रत्येक साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। लैंगिक विषमता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय संबातित करें। लिंग विषमता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने तथा का अधिकार प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। अनुच्छेद 15 के तीसरे भाग में
किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता है। भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए हैं, पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाएं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। पुरुष उन्हें अपनी कामों की इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर है। दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी इसमें समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।